वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा फंक्शन ओवरलोडिंग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारी एक प्रीवियस वीडियो जो ऊप्स पर बेस्ड है उसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अभी हम सीखते हैं क्या फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग को सीखने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऊप्स का, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक ही चीज के एक से ज्यादा फॉर्म क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे है, जैसे अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज पॉली और दूसरा मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का क्या मतलब होता है, मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है क्या, फॉर्म। तो जब किसी भी एक चीज के मेनी फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई एक क्लास है और क्लास में एरिया नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, अब एरिया क्या है, एरिया डिपेंड करता है सर्किल का भी हो सकता है और डिपेंड करता है कि स्क्वायर का भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह डिपेंड करता है ट्रायंगल का भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिया तीनों चीजों के लिए हो सकता है, तो अगर हम क्लास में तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तो ये प्रोसेस जो है लेंथी हो जाएगी, बजाय इसके कि हम एरिया नाम का एक फंक्शन बना लें और इनको जितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो इनपुट हम इनको दे दें और वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब हम किसी एक चीज के मल्टीपल फॉर्म बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम फंक्शन ओवरलोडिंग को कैसे कंसेप्ट में लेकर आते हैं और कैसे उसे अप्लाई करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और दूसरा रन टाइम, कंपाइल टाइम को स्टैटिक भी बोला जाता है, कैसा, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये दोनों जो अलग अलग हैं, ये ऐसा कंसेप्ट जिसको कंपाइल टाइम में अप्लाई होगा इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ये ऐसा कंसेप्ट जो रन टाइम पर अप्लाई होगा इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम की अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें बेसिकली तीन कंसेप्ट आते हैं। पहला फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और तीसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट किसमें आते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रन टाइम में आता है वर्चुअल फंक्शन, दूसरा कंसेप्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली पॉलीमॉर्फिज्म को दो क्लासिफिकेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, पहला कंपाइल टाइम और दूसरा क्या, रन टाइम। कंपाइल टाइम में हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन और क्या, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और उसे किस प्रकार अप्लाई करते हैं और वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें एक फंक्शन के नेम को चेंज किए बिना उसके पैरामीटर और उसके बॉडी को चेंज कर देते हैं और उससे अलग फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, सपोज करिए हमने एक बनाया फंक्शन वॉइड एरिया और इसमें पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह इसकी बॉडी हमने बना ली और इसी तरह हमने एक और फंक्शन बनाया void area और हमने इसमें पास कर दिया क्या, डबल। ठीक है, तो ये दो ऐसे फंक्शन बने जो नेम के फॉर्म में आइडेंटिकल हैं, एक नेम है, सेम नेम है, बट आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। इनके आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट है। इनकी जो बॉडी है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जो इनका नेम है
नेम है वो क्या है, सेम है। नेम क्या है, सेम है। तो जब दो ऐसे फंक्शन जिनके नेम सेम हो, बॉडी और पैरामीटर लिस्ट दोनों अलग अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो हम इसे तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो ये पैरामीटर है उसे तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में अगर बात करूं तो तीन तरीके हैं चेंज करने के आर्गुमेंट के, ध्यान रहे, सेम नेम होगा, सेम नेम फंक्शन होगा, विथ विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये तीन तीन चीजें क्या क्या होंगी मैं बता दूं। पहली बात, उनका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्या चेंज होगा, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। और तीसरा क्या चेंज होगा, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या चेंज होगा, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम दो फंक्शंस के बीच में ओवरलोड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का नेम सेम रखेंगे, आर्ग्यूमेंट चेंज करेंगे, आर्ग्यूमेंट तीन ऑर्डर पे चेंज करेंगे, या तो उस आर्ग्यूमेंट का नंबर बदल देंगे। सपोज करिए यहां पर एक इंटीजर है, तो अगला जो फंक्शन बनाएंगे वो दो इंटीजर के साथ बना लेंगे। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, टाइप चेंज कर देंगे, टाइप यानी जैसे इंटीजर है यहां पर डबल रख दिया तो टाइप चेंज करके हम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, जैसे यहां पर इंटीजर है फ्लोट हो जाए और फिर हम फ्लोट और इंट रख दें। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि इसको तीनों को सिंटैक्टिकली फॉर्म में कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की। अगर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सपोज करिए हमने फंक्शन बनाया है void show और यहां पे रख दिया क्या, इंटीजर। क्या रख दिया, इंटीजर, फंक्शन ओपन और फंक्शन क्लोज। ठीक है, दूसरा इसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने बोला नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करना है तो चेंज करेंगे void show, नेम सेम रहेगा और यहां पर एक इंटीजर और कॉमा दूसरा भी इंटीजर, तो दो इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह जब हम दो फंक्शन का सेम नेम रखते हुए अलग अलग आर्ग्यूमेंट लिस्ट रखते हैं तो इन दोनों फंक्शन को हम ओवरलोड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब अगर हम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो पहला इसमें कैसे करेंगे, पहला हम सेम लिख देते हैं void show और इसमें हमने पास कर दिया क्या, इंटीजर। क्या पास कर दिया, इंटीजर। ठीक है, और दूसरा जो हम करेंगे पास वो कैसे करेंगे, void show और हमने पास कर दिया क्या, डबल। ठीक है, तो इस तरह हम इसके टाइप को चेंज करके, डेटा टाइप को चेंज करके भी ओवरलोड कर सकते हैं। तीसरी बात क्या, तीसरी बात ऑर्डर है। तो सपोज करिए फंक्शन पहला बनाया void show और इसमें हमने पास किया क्या, पहला इंटीजर और दूसरा क्या, फ्लोट, और ओपनिंग कर ली, क्लोजिंग कर ली, फंक्शन की बॉडी बना ली, void शो, पहले फ्लोट पास कर दिया एंड देन इंटीजर पास कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। तो तीन तरह से फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म है वो क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम मतलब इनके सारे कंसेप्ट जो है वो कंपाइलर चेक करेगा। कंपाइलर क्या नहीं चेक करता, दैट इज रिटर्न टाइप। क्या नहीं चेक करता, रिटर्न टाइप। फंक्शन का रिटर्न टाइप रन टाइम पे चेक होता है, इसलिए ध्यान रहे कि जो पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप पर डिपेंड नहीं करता। क्या बोला मैंने, रिटर्न टाइप पर डिपेंड नहीं करता, यानी अगर यहां पे void लगा हुआ है और आप अगली वाली में इंटीजर लगा लें तो कंपाइलर कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा, इसे कंपाइल कर देगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, पहला क्या, उसके सेम नेम होना चाहिए और दूसरा पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए। अब आइए इसका हम एक प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या नंबर ऑफ आर्गुमेंट के थ्रू प्रोग्राम को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग थ्रू नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाते हैं क्या, एक क्लास, क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम सपोज करिए मैंने रख लिया शेप। क्या नाम रख लिया, शेप। ठीक है, यहां गए पब्लिक एरिया में, हमने एक फंक्शन बनाया
दैट इज वॉइड एरिया, क्या बनाया एरिया, और इसमें इंटीजर हम पास कर देते हैं क्या रेडियस, क्या पास कर दिया रेडियस, एक इंटीजर वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। इसमें आया, इसमें हमने सी आउट में लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल 3.141 मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, जब हमने एक आर्गुमेंट दिया। अब हम देते हैं दो आर्गुमेंट, वॉइड एरिया नाम का फिर से फंक्शन बनाया, इस बार हमने इंटीजर दिया लेंथ और एक इंटीजर दिया ब्रेथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बार एरिया निकालते हैं किसका, ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होल डिवाइड बाय टू, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, पहले इसका एरिया निकला सर्किल का और दूसरा क्या निकल गया ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम इसको कर देते हैं क्या क्लोज, क्लास को क्लोज कर दिया, मेन फंक्शन मैं इधर लिख देता हूं, मेन फंक्शन इधर लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, मेन फंक्शन लिखा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का क्या है शेप, शेप का ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे, ऑब्जेक्ट से एरिया को करेंगे कॉल, क्या करेंगे एरिया को करेंगे कॉल, और यहां पर अगर हम एक आर्गुमेंट देते हैं, एक आर्गुमेंट यानी सपोज करिए मैं 10 दे देता हूं, तो किसका एरिया निकल आएगा सर्किल का, और अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट एरिया में 12 और 15 दे देता हूं तो एरिया किसका निकल आएगा ट्रायंगल का, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यह है कि जो मेन फंक्शन लिखता है, जो भी मेन फंक्शन डेवलपर लिखते हैं, उनको कभी भी फंक्शन का नेम याद रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये याद रखना पड़ता है कि ये फंक्शन कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी कॉलिंग क्या होती है आसान हो जाती है। जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फंक्शन जो है वो कॉमन बना होगा, लेकिन लोन पे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप किसी भी जगह पैसे सबमिट करते हैं जमा करते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, अगर आप होम लोन लेते हैं कार लोन लेते हैं कोई अलग अलग टाइप के लोन के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डिपेंड करता है कि उसमें इनपुट क्या है, फंक्शन नेम सेम है और आउटपुट अलग अलग है, ठीक है। तो यही हमने यहां भी किया है कि सेम नेम का फंक्शन है, अलग इनपुट पर अलग आउटपुट और दूसरे अलग इनपुट पर अलग आउटपुट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये है क्या, थ्रू द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जब हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज करते हैं तब उस बेस पर कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। इसके मैं स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं प्रोग्राम के, उन्हें आप देख लीजिए समझ लीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। तो अब बात करते हैं क्या ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट के बेस पर कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। तो फिर से मैं बना लेता हूं क्लास शेप, ठीक है, इसके अंदर पब्लिक एरिया में बनाया हमने एक फंक्शन, ऑर्डर चेंज करना है तो दो एटलीस्ट आर्गुमेंट रखने पड़ेंगे हमें, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं void एरिया इंटीजर l, और ऑर्डर चेंज करना है तो थोड़ा सा ये भी रख देते हैं float b, ठीक है, और इसमें मैं बोल देता हूँ सी आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एल इन टू बी होल डिवाइड बाई टू, ठीक है, ये क्लोज कर देता हूँ। फिर क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे इसी नेम का सेम void एरिया, और इस बार हम फ्लोट को पहले रख देंगे तो फ्लोट ए या एक्स ले लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी समझने में, एक्स और इंटीजर वाई, ठीक है, ओपनिंग कर ली करते हैं, सी आउट लगाएंगे, सी आउट में हम इस बार दे देते हैं पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसे भी कर दिया क्या क्लोज, ठीक है। तो ये बन गया क्या, दो फंक्शन ऐसे बन गए जो सेम नेम के हैं बट इनका ऑर्डर चेंज है, पहले इंटीजर है फिर फ्लोट है, और इसमें पहले फ्लोट है और फिर इंटीजर है, ठीक है। मेन फंक्शन लिख लेते हैं, void main, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैंने शेप का ऑब्जेक्ट बनाया, शेप ओबीजे, ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, एरिया नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहां पर लिखते हैं, पहले इसको कॉल कर लेते हैं ट्रायंगल वाले को, तो लिखते हैं 12.5.6, पहले इंटीजर दिया फिर क्या दे दिया फ्लोट, और फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, इस बार लिख लिया 2.3.7, ठीक है, और यहाँ इसको कर दिया क्या क्लोज। तो क्या होगा, जैसे ही पहला ये कॉलिंग होगा मेन मेथड में, तो ये 12 देखेगा पहले इंटीजर फिर फ्लोट, तो पहले इसको कॉल कर लेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। इसी तरह इसको जब हम कॉल करेंगे तो पहले फ्लोट फिर इंटीजर, तो ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, ये कैसा हुआ, बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसके भी स्क्रीनशॉट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इन्हें देख लीजिए और अपने कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं क्या टाइप ऑफ आर्गुमेंट में, सेम प्रोग्राम बनाते हैं फिर से, क्लास शेप पब्लिक एरिया में चलते हैं, void show, शो नाम का बना लेते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं, और इस बार दे देते हैं क्या इंटीजर x, और इसमें बोल देते हैं क्या सी आउट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 3.141 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्लोज कर देते हैं। इस बार क्या करेंगे, इसका टाइप चेंज करेंगे, ध्यान रखें टाइप चेंज करेंगे, void show, और कर देते हैं डबल वाई, यहाँ इस बार निकाल लेते हैं इसमें सी आउट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई, और इसको कर लेते हैं क्या क्लोज, ठीक है। तो फिर से दो फंक्शन बन गए हमारे पास, जो क्या है अलग अलग, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर क्या है अलग है, ये अलग डेटा टाइप और ये अलग डेटा टाइप। मेन फंक्शन फिर से लिख लेते हैं, मेन फंक्शन कैसे लिखा जाता है देख जानते हैं आप लोग, तो लिख देते हैं void मेन, शेप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे, ओबीजे डॉट शो लगा देते हैं, और इस बार हम पास कर देते हैं 12, और ओबीजे डॉट शो, और इस बार 5.7 पास कर देते हैं, और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो प्रोग्राम बना है, इसमें दो शो फंक्शन बने हैं, जिसमें एक इंटीजर पास कर रहे हैं और एक में क्या पास कर रहे हैं डबल। तो ये किस बेस पर हो गया, टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बेस पर। तो इसके भी स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इनको आप देख लीजिए समझ लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जब भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन कभी भी रिटर्न टाइप पर, कभी भी रिटर्न टाइप पर बेस्ड नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर शो की जगह इंट लगाना चाहते हैं तो इंट लगा दीजिए, और यहाँ पर इसके अंदर लगा दीजिए क्या रिटर्न स्टेटमेंट, तब भी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नीडी पर्सन है उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के साथ।